आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे अब्दुस सलाम की। पाकिस्तान के हैं ये अब्दुस सलाम और पाकिस्तान के पहले नोबेल प्राइज विनर हैं अब्दुस सलाम। अब्दुस सलाम ने सुपर सिमेट्री पे काम किया, इन्होंने प्रोटोन डीके पे काम किया, इन्होंने हिक्स बोसॉन जिसकी वजह से पीटर हिक्स को नोबेल प्राइज मिला उस पर भी काम किया। इन्होंने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर बनाया। आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। वो क्यों है? अब्दुस सलाम की वजह से। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये इन्होंने इंस्टॉल किया पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में साइंस पे स्पेंडिंग होती ही नहीं थी तब अब्दुस सलाम आया और उन्होंने पूरे देश को एक तरीके से एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देने की कोशिश की। तो बहुत कुछ किया और साइंस की फील्ड में इनका बड़ा जबरदस्त काम है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने इनको पूरी तरीके से भुला दिया है। पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में जो पढ़ाया जाता है बच्चों को उसमें अब्दुस सलाम का कहीं पर भी नाम नहीं है। और ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में बताया जाता है जो बहुत ही औसत दर्जे के हैं और जो अब्दुल सलाम के स्टूडेंट रहे थे वो हैं। क्यों अब्दुल सलाम के साथ ऐसा सलूक हुआ? इसलिए क्योंकि ये अहमदिया मुसलमान थे जिनको पाकिस्तान में मुसलमान माना ही नहीं जाता है। तो कास्ट की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान एक रिलीजियस कंट्री है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, कास्ट की वजह से इनको बिल्कुल नकार दिया गया और इतिहास में अब्दुल सलाम का नाम जो है वो कहीं गुम हो गया। इसीलिए इसी हफ्ते नेटफ्लिक्स जो है इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री लेके आई है, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे अब्दुल सलाम की डॉक्यूमेंट्री। और उसमें एक बहुत ही जबरदस्त वाक्या है बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो ये अपना प्राइज लेके सीधे भारत आए और इन्होंने अपने गुरु अनिलेंद्र गांगुली जो थे वो समय बहुत बीमार पड़े थे उनके पास गए और अपना नोबेल प्राइज जो है वो उनको दे दिया और बोला कि सर ये आपका प्राइज है, मेरा प्राइज नहीं है। जब मैं छोटा था तो आपने ही मेरे मन में मैथ्स जो है उसकी उस सब्जेक्ट के प्रिंसिपल, उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है वो आपने ही मेरे दिमाग में डाला, तो ये आपका प्राइज है, मेरा नहीं। आज जो कुछ भी हूं मैं आपकी वजह से हूं। बहुत खुश हुआ अनिलेंद्र गांगुली, उनकी आंखों में आंसू आ गए, अब्दुल सलाम की भी आंखों में आंसू आ गए और बड़ी जबरदस्त तस्वीरें दोनों ने गले मिले। क्योंकि अब उस समय अनिलेंद्र गांगुली मतलब वो एकदम मरने की कगार पे थे और उनके स्टूडेंट आके उनको ऐसे ट्रिब्यूट दे ये उनके लिए बहुत गर्व की बात थी। तो ये एक वाक्या ये डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया गया है और बहुत ही एक इमोशनल सीन है ये। तो दोस्तों आज हम अब्दुल सलाम की बायोग्राफी देखेंगे। रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह पर चक्कर पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू के टैबलेट और पेन ड्राइव कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए और 30 अक्टूबर तक तो 70% ऑफ है सारे कोर्सेज पे, तो आपको बहुत ज्यादा मदद भी मिलेगी। तो दोस्तों अगर अब्दुल सलाम की बात करें तो इनका जन्म 29 जनवरी 1926 में हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी जो थे वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में काम करते थे। वैसे आपको बता दूं कि इनके पिताजी का नाम था चौधरी मोहम्मद हुसैन, ठीक है, और पंजाबी मुस्लिम फैमिली थी, लेकिन ये अहमदिया मुसलमान थे। अब अहमदिया मुसलमान को बहुत सालों से बोला जाता है कि यहां के नहीं है और ये पाकिस्तानी नहीं है, इनको हम मुस्लिम मान ही नहीं सकते, ठीक है ना। इनकी जो लेगेसी है ये एक्चुअली हिंदू हैं और उसके बाद फिर ये पूरा जो झगड़ा जो है बहुत टाइम से चला आ रहा है। और अब्दुल सलाम का जन्म जो है वो झांग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है, जो कि पाकिस्तानी पंजाब में आता है। आपको बताना चाहता हूं कि जो इनके पिताजी हैं, इनफैक्ट इनके पिताजी ने इनकी पूरी फैमिली स्कॉलर है, ठीक है, पढ़ाई लिखा का काफी ज्यादा जोर दिया जाता था इनके परिवार को, परिवार में। इनके जो दादाजी थे वो भी रिलीजियस स्कॉलर रहे, एक फिजिशियन रहे, इनके पिताजी भी काफी पढ़ाई लिखाई में आगे थे और अब्दुल सलाम भी पढ़ाई लिखाई में काफी आगे थे, बहुत ही जीनियस थे। लेकिन जब इनका जन्म हुआ और जब उन्होंने शुरू में अपनी पढ़ाई की तो बहुत ही ऑर्डिनरी स्कूल में जाते थे। ये स्कूल इनका बहुत बड़ा नहीं था, जमीन पे बैठे थे, बेंचेस नहीं होती थी, ठीक है, तो ये सब चीजें थी। लेकिन ये स्ट्रगल था, डेफिनेटली ये इनिशियल स्ट्रगल था और उसके बाद जो इन्होंने सीखा वो फिर बहुत आगे गया। इनके टीचर्स चाहते थे कि इंग्लिश लिटरेचर में कुछ करें, ठीक है, ये पोएट्री लिखे, और इनके पिताजी चाहते थे ये सिविल सर्वेंट बने, ये आईएएस बने, मतलब सिविल सर्वेंट बने, उस समय तो आईएएस नहीं, मतलब आईसीएस ज्वाइन करें और सबसे ऊंची पोजीशन ले, क्योंकि आजादी से पहले सब कुछ भारत में था। तो इन्होंने इंडियन रेलवेज के लिए अप्लाई भी किया था, ठीक है, इंडियन रेलवेज के लिए इन्होंने आईसीएस का एग्जाम, सिविल सर्विस का एग्जाम निकाल लिया था और इंडियन रेलवेज में इन्होंने अप्लाई किया। लेकिन ये शुरू से ही चश्मा पहनते थे, इनकी आंखें खराब थी, तो उस मेडिकल ग्राउंड पे इनको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर मैकेनिकल टेस्ट में भी ये पास नहीं हो पाए। सोचिए अगर उस समय ये सिविल सर्विस ज्वाइन कर लेते तो शायद पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर पावर नहीं हो पाता। एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, जो साइंटिस्ट होते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो साइंस फ्रेटर्निटी होती है वो कभी भी बुरा नहीं चाहती है, वो कुछ भी बनाए
कुछ भी, वो हमेशा यही चाहेगी कि इसका इस्तेमाल पीसफुल पर्पस के लिए हो। अब्दुल सलाम ने भी यही सोचा था कि जो मैं काम कर रहा हूं उससे पाकिस्तान को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब ये पाकिस्तान वापस आए, पढ़ लिख के पाकिस्तान वापस आए, पाकिस्तान बहुत गरीब था, बहुत ज्यादा गरीब। लोग तो अपनी चाले चल रहे थे, पॉलिटिशियंस और मिलिट्री और आईएसआई, ये तो अपनी चाले चल रहे थे, लेकिन जो लोग थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई का कोई भी सिस्टम था ही नहीं। इनफैक्ट आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो एनर्जी कमीशन था वो एक छोटे से रूम में चलता था। पाकिस्तान एनर्जी कमीशन 1956 में बना, छोटे से रूम में चलता था और 10 साइंटिस्ट चलाते थे। तो अब्दुल सलाम ने जब ये सारी चीजें देखी, वो उनका न्यूक्लियर पे यही मानना था कि पीसफुल पर्पस के लिए यूज होगा, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी वैसे वैसे एटॉमिक बॉम्ब बनने शुरू हो गए, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का शुरू हो गया। ठीक है, 1972, 1988 और 1998, ये तीन डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1972 में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू होता है, क्यों? क्योंकि इससे कुछ ही दिन पहले भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर लिया था। 1988 में पहला टेस्ट पाकिस्तान करता है और 1999 में दूसरा टेस्ट, उसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट नहीं हुए, बैन है एक तरीके से, फिर भारत ने भी नहीं किए। तो ये जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है वो अब्दुल सलाम को जाता है। लेकिन साइंस के जितने भी लोग हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं, वो कभी भी ये नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते कि कैसे दुनिया बनाई जाए जिसमें विज्ञान को कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, ये चीज है। तो दोस्तों पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे, मैथ्स शुरू में इनका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है, बाद में इनका बहुत ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट बना, शुरू में इन द सेंस कि जब ये 7-8-9 साल के थे। ठीक है, शुरू में इनको लिटरेचर बहुत अच्छा लगता था, ठीक है, लिटरेचर पढ़ना, उर्दू, ये सब अच्छे स्कॉलर हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने मैथ्स पढ़ना शुरू किया तो फिर इन्होंने मैथ्स कभी छोड़ी ही नहीं, पूरा का पूरा फोकस जो है वो मैथ्स पे ही रहा। अब जैसा कि मैंने बताया कि इनके टीचर जो थे वो चाहते थे कि इंग्लिश लिटरेचर में कुछ करे, कुछ टीचर बढ़िया बन जाए, लेकिन सलाम चाहते थे कि वो मैथ्स पढ़े, और मैथ्स उन्होंने पढ़ी, मैथ्स को छोड़ी ही नहीं। आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही जबरदस्त थे पढ़ने में, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप। 14 साल की उम्र में इन्होंने कॉलेज टॉप किया था, जिस कॉलेज में गए थे उसमें टॉप किया था, और बहुत ही कम उम्र में इनको चीजें मिलती गई, इनका जो प्रमोशन है ना बहुत ही कम उम्र में होता गया, वो सिर्फ साइंस की बदौलत। एक चीज और है, अल्लाह में बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है, एंड इट इज वेरी रिमार्केबल कि जितने भी क्वांटम फिजिसिस्ट अगर आप देखें वो एक ना एक टाइम पे सीधे धर्म की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे ओल्ड स्क्रिप्चर्स हैं, कुरान में भी, यहां खुद ये बोलते हैं, ये बात करते हैं, ठीक है, अब्दुल सलाम के कुरान में भी जो 750 वर्सेस हैं वो सीधा सीधा साइंस को डेडिकेटेड है, वो पूरा साइंस की बात करता है, वो पार्टिकल फिजिक्स की बात करता है। ऐसे ही हिंदुइज्म में भी मैंने आपको बताया, ऐसे ही बुद्धिज्म में, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे अब्दुल सलाम एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है, अल्लाह को बहुत ज्यादा मानते थे। इनफैक्ट जब उनको नोबेल प्राइज मिला तो उन्होंने शुरुआत ही एक कुरान के वर्स से की, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि वो सारी चीजें जो कुरान में लिखी हैं, एक तरीके से इन्होंने रिलीजन और साइंस को इंटीग्रेट किया, इन्होंने साथ में मिला दिया कि रिलीजन ये कह रहा है और यहां से मैं तरीका निकालूंगा कि किस तरीके से पार्टिकल फिजिक्स को आगे बढ़ाया जाए, और पार्टिकल फिजिक्स में इनका बहुत ही जबरदस्त काम है, ठीक है। तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने मैथ्स पढ़नी शुरू की, उसके बाद फिर 1944 में इन्होंने बीए किया, ठीक है, और शुरू से ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम जिसका कोई सलूशन नहीं होता था वो सॉल्व कर लेते थे। राम अनुजम एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन, मैंने उनकी बायोग्राफी रिव्यू की है, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती थी वो सॉल्व कर लेते थे। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इन्होंने सनातन धर्म कॉलेज, जो कि उस समय लाहौर में था, वहां पे इन्होंने पढ़ाई की, और इसी दौरान ही अनिलेंद्र गांगुली से मिले, और अनिलेंद्र गांगुली बहुत ही बढ़िया मैथ्स पढ़ाते थे, और जो मैथ्स का कीड़ा है, जो प्रॉपर मैथ्स का कीड़ा है, वो इन्होंने ही इनके दिमाग में घुसाया। इसीलिए जब नोबेल प्राइज जैसे ही अब्दुल सलाम को मिला वो दौड़ते हुए भारत आए। एक चीज और, अब्दुल सलाम के जो रोल मॉडल थे वो पता है कौन है? होमी जहांगीर भाभा। होमी भाभा इनके रोल मॉडल थे, जिन्होंने भारत में एटॉमिक एनर्जी, मतलब एटॉमिक जो प्रोग्राम है वो पूरा, मतलब भारत में जो स्पेस प्रोग्राम है, खैर स्पेस प्रोग्राम तो हम ये देखते हैं कि विक्रम साराभाई ने किया, लेकिन भारत का जो एटॉमिक प्रोग्राम है, ठीक है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, वो होमी भाभा ने किया। अब उनकी बायोग्राफी मैंने पूरी रिव्यू की है, उनकी जर्नी को दिखाया है मैंने, जरूर देखिएगा दोस्तों। तो ये इनके रोल मॉडल थे। मैथ्स ली इन्होंने, अभी तक भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ है। एमए इन मैथ्स इन्होंने किया, पहले बीए किया फिर एमए किया, और उसके बाद 1947 में जब पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, ये चले गए बाहर। अच्छा, अहमदिया मूवमेंट जो थे वो 1888 से चल रहा है, वो बहुत टाइम से चल रहा है कि हमको आप ऐसा दर्जा क्यों नहीं देते हैं, ठीक है ना।
तो यहां पे हम देख रहे हैं कि भैया वो चले गए बाहर, मतलब अब्दुल सलाम की बात कर रहे हैं कि वो चले गए बाहर पढ़ाई करने, ठीक है। शुरुआत में इन्होंने पढ़ाई अपनी पाकिस्तान से की और उसके बाद ये चले गए यूके, ब्रिटिश, वहां पे इन्होंने पढ़ाई की, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई की, इनको स्कॉलरशिप मिल गई थी, इनको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती रही है, ठीक है। तो कैम्ब्रिज में सेंट जॉन्स कॉलेज है, वहां पे इन्होंने पढ़ाई की, वहां पे इन्होंने फिर से बीए डिग्री ली और डबल फर्स्ट क्लास ऑनर्स इन मैथ्स एंड फिजिक्स 1949 में। अब अगली मंजिल है पीएचडी करो, तो इन्होंने पीएचडी की, पीएचडी इन्होंने कैम्ब्रिज से की और थ्योरेटिकल फिजिक्स में इन्होंने पीएचडी डिग्री ली। और उसके बाद ये बोला, वहां पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जब अब्दुल सलाम को इन्होंने देखा और जब इतने ज्यादा ब्रिलियंट थे तो इनसे बोला कि तुम फिजिक्स में अपना करियर बनाओ और कैवेंडिश लेबोरेटरी में तुम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स चुनो और यहां पे तुम एक्सपेरिमेंट करो। लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स का चोली दामन का साथ है, फिजिक्स में आप कोई थ्योरी देते हैं आप उसको प्रूव मैथ्स से करते हैं, ठीक है। तो यहां पे साइंटिस्टों ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम फिजिक्स में, अच्छी बात है तुम मैथ्स तुमको बहुत पसंद है, लेकिन तुम फिजिक्स में अपना करियर बनाओ और कैवेंडिश लेबोरेटरी में तुम एक्सपेरिमेंट करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम बहुत बड़ा कुछ इन्वेंट कर दोगे। लेकिन अब्दुल सलाम को यह समझ में नहीं आया और उसके बाद वो वापस आ गए, वो पाकिस्तान वापस आ गए। अब इनकी जो डॉक्टोरल थीसिस थी वो इतनी एडवांस्ड थी, वो अपने समय से कहीं आगे थी, डेवलपमेंट्स इन क्वांटम थ्योरी ऑफ फील्ड्स, बेसिकली क्वांटम फिजिक्स को समझा दिया। क्वांटम क्या होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। देखिए दोस्तों, हम एक एक्चुअली जब हम पार्टिकल्स के बारे में देखते हैं, हर चीज पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है, तो बहुत छोटा है, आपको कभी दिखेगा नहीं, आप मैथमेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंट्स उसको प्रूव कर सकते हैं। अरे भैया सीधी सी बात है कि जो आप डॉट होते हैं ना, डॉट जो एक पेंसिल डॉट है, जो पेन का डॉट होता है, उसमें करोड़ों अरबों एटम्स होते हैं, ठीक है ना, करोड़ों अरबों एटम्स होते हैं। तो उसको अगर आप चांद तक पूरा बढ़ा देंगे, उस डॉट को एकदम बढ़ा देंगे, तब तो आपको जाकर न्यूक्लियस दिखना शुरू होगा और चार गुना ज्यादा, तब आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो हमने कभी एटम को तो देखा नहीं, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को तो देखा नहीं है। तो हम मैथमेटिकल स्टडी करते हैं और क्वांटम मतलब बिल्कुल अंदर तक जाके कि क्या है भैया, एकदम छोटी सी छोटी चीज, हर चीज से, हर चीज का कहीं ना कहीं से जन्म हुआ होगा, ठीक है ना। तो वो जन्म जो है, वो जन्म दे रही है, वो है क्या, वही क्वांटम फिजिक्स समझाने की कोशिश करती है। तो डेवलपमेंट इन क्वांटम थ्योरी ऑफ फील्ड्स, ये इनकी डॉक्टोरल थीसिस थी, ठीक है, जिसमें क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से समझाया गया था। अब जब 1951 में इसको पब्लिश किया गया, पूरी दुनिया में ये फेमस हो गए और काफी जबरदस्त इनके बारे में काफी चर्चा भी होने लगी। और उसके बाद ये ओपेनहाइमर, डायराक और बेथे से भी मिले। ओपेनहाइमर का ही काम इन्होंने फिर फर्दर जो है वो कंटिन्यू भी किया। वॉन ओपेनहाइमर की मैं जरूर इनकी बायोग्राफी लेके आऊंगा, बहुत ही, ओपेनहाइमर वर्सेस हाइजनबर्ग, कौन एटम बम पहले बनाएगा, ये बहुत ही फेमस है दोस्तों। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, अगर जर्मनी एटम बम पहले बना लेता तो समझ लीजिए सब कुछ खत्म, लेकिन अमेरिका सक्सीड हो गया, ओपेनहाइमर का काम जबरदस्त था। लेकिन यहां पे ओपेनहाइमर से ये बोला गया कि आपने बेटा एटम बम तो बना लिया, और बहुत दुख हुआ था, बता दूं, जब ओपेनहाइमर ने ये देखा कि एटम बम का, जिस चीज पे मैंने काम किया, जो बॉम्ब मैंने बनाया, बॉम्ब का बेसिकली उन्होंने थ्योरीज दी थी, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इसका काम ऐसे डिस्ट्रक्टिवली बॉम्ब फोड़ा गया है, वो मेरी वजह से है, मतलब मेरा ही काम को इन्होंने इस तरीके से यूज करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। और जब उन्होंने बहुत लोगों को मरते हुए देखा तो उनका बहुत ज्यादा, बहुत मूड खराब हुआ था, और तब उनका यह मानना था कि मैंने इस पर काम ही क्यों किया। मैंने बताया ना, साइंस फ्रेटर्निटी कोई भी वो ऐसा ही काम करती है जो अच्छे के लिए हो, ठीक है, वो कभी बुरे के लिए काम करती ही नहीं है। ओपेनहाइमर से फिर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के लिए भी बोला गया था, लेकिन ओपेनहाइमर ने सीधा मना कर दिया था कि अब मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा, तुमने तो मुझे धोखा दिया है, तुमने ये नहीं बताया था कि तुम जाके जापान पे बॉम्ब फोड़ दोगे, ठीक है। ओपेनहाइमर की भी बायोग्राफी मैं लेके आऊंगा, काफी कमाल की स्टोरी है, ठीक है, काफी रोचक कहानी उनकी भी। तो ओपेनहाइमर से भी मिले, डायराक से भी मिले, बेथे से भी मिले, एक बड़ी फेमस कहानी है दोस्तों, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली आइंस्टीन, अब्दुल सलाम जो है वो आइंस्टीन की रिलेटिविटी पे काम कर रहे थे, जो री नॉर्मलाइजेशन होता है, ये जो थ्योरी होती है, ये रिलेटिविटी के बिना ये बहुत मुश्किल है सॉल्व करना, ठीक है। तो मैसॉन थ्योरी पे काम कर रहे थे, तो आइंस्टीन आए, तो आइंस्टीन ने इनसे पूछा कि किस पे काम कर रहे हो, तो इन्होंने बोला री नॉर्मलाइजेशन पे। क्या आपने कभी उसका नाम सुना है? आइंस्टीन ने बोला मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना। तो फिर उसके बाद आइंस्टीन ने इनसे पूछा कि तुमने मेरी थ्योरी रिलेटिविटी का नाम सुना है? तो अब्दुल सलाम ने बोला कि नहीं, मैंने आपकी थ्योरी का भी कभी नाम नहीं सुना, लेकिन ये कहानी गलत है, ये झूठ है कहानी, ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्योंकि अब्दुल सलाम, हमेशा उनका एक मानना था कि अभी मेरी उतनी पहुंच नहीं हुई है कि मैं आइंस्टीन, न्यूटन, रिचर्ड फाइनमैन, इन जैसे बड़े साइंटिस्ट को अभी मैच कर सकूं, और ये उन्होंने साफ साफ बोल दिया था।
इनफैक्ट जो ये री नॉर्मलाइजेशन ऑफ मेसॉन थ्योरी है या आइंस्टीन की थ्योरी के बिना प्रूव ही नहीं कर सकते, रिलेटिविटी इसमें लगेगी ही लगेगी, ठीक है ना। तो जो री नॉर्मलाइजेशन जो थ्योरी है ये पूरा 100% रिलेटिविटी पे है। तो ये जो कहानी है, बहुत सारी र्यूमर्स भी उड़ी थी, ठीक है, तो ये गलत एक्चुअली निकली है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था आइंस्टीन और सलाम, ऐसा कुछ नहीं, इन दोनों में ऐसा संवाद हुआ था, क्योंकि कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट ऐसे थोड़ी ना, क्योंकि सलाम तो उस समय भी स्टूडेंट थे और आइंस्टीन उस समय आइंस्टीन हो गए थे। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि 1951 में इन्होंने अपनी डॉक्टरेट को पूरा किया, पीएचडी, अब डॉक्टर अब्दुस सलाम हो गए, पाकिस्तान वापस आए, गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अब जब पाकिस्तान है तब उन्होंने देखा कि बहुत बुरी हालत है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज नहीं है, यहाँ पे कॉलेजेस नहीं है, लोग पढ़ नहीं रहे हैं, फिर जो जीडीपी का मतलब जो बजट एलोकेट होता है उसका बहुत कम हिस्सा साइंस में जाता है। तो सरकार को इन्होंने फिर मनाया, बनाने की कोशिश की, और उसके बाद फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी इन्होंने बनाने की कोशिश की, और उसमें फिर फिजिक्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। इनको प्रोफेसर बनाया डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, वहां पर इन्होंने फिजिक्स का एक नया कोर्स लॉन्च किया। और उसी जब ये पढ़ा रहे थे 1952 में, जब वापस आए थे सरकारी कॉलेज में पढ़ा रहे थे लाहौर में, तो रियाजुद्दीन जिनको एक तरीके से पाकिस्तान का जो पूरा प्रोग्राम था एटॉमिक प्रोग्राम, उसमें रियाजुद्दीन का बहुत बड़ा हाथ था और इनको हाईएस्ट ऑनर से भी नवाजा गया है, तो रियाजुद्दीन भी इनके स्टूडेंट रहे। तो दोस्तों बहुत सारे साइंटिस्ट जिनके बारे में आज पाकिस्तान में चर्चा होती है, वो ज्यादातर जो हम ये देख रहे हैं कि वो अब्दुस सलाम के ही अंडर काम किया उन्होंने और उनको अपना रोल मॉडल बनाया, लेकिन उसके बावजूद अब्दुल सलाम का नाम कभी होता ही नहीं, कभी उनकी बात नहीं होती पाकिस्तान में। इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों से पूछेंगे तो उनको प्रॉपरली पता भी नहीं होगा, बहुत लोग तो जानते भी नहीं होंगे है कौन, ठीक है, क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनके बारे में किसी को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि ये पाकिस्तान में पढ़ा रहे, फिर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट डेवलप करना चाहते थे लाहौर में, लेकिन ये हो नहीं पाया। क्यों दोस्तों? क्योंकि बहुत लोग अपोज कर रहे थे कि क्या ये पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है, जो एक्सट्रीम फंडामेंटल्स थे वो ये बोल रहे थे कि ये इससे कुछ होता नहीं है, फिजिक्स मैथ से कोई देश नहीं चलता है, हटाओ सारा जो पूरा ये जो देश है वो धर्म से चलेगा। प्लस एक चीज और थी कि सलाम जो है वो अहमदिया मुसलमान भी थे, अब ये सबको बात पता थी, तो हमेशा निशाने पर रहते थे, कुछ भी ये करने गए इनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और जब भी ऐसी कोई दिक्कत आती थी, अक्सर ऐसा होता था कि अहमदिया मुसलमान को लेकर दंगे हो जाते थे कि ये तो है ही नहीं पाकिस्तान के, ये मुसलमान ही नहीं है, इनको भगाओ यहां से, तो कभी भी ऐसा होता था तो अब्दुल सलाम ताकि मेरे ऊपर बात ना आए तो देश छोड़ के चले जाते थे। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों कि 1953 में लाहौर में दंगे हो गए, ठीक है। अब जब लाहौर में दंगे हुए तो वो चले गए वापस कैम्ब्रिज, वहां पे पढ़ाने लगे, सेंट जॉन्स कॉलेज जिन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद 1957 में इंपीरियल कॉलेज ने उनको बुलाया, वहां पे इन्होंने थ्योरेटिकल फिजिक्स डिपार्टमेंट की स्थापना की, और इसी दौरान इनको पंजाब यूनिवर्सिटी, 1957 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी इनको ऑनरी डॉक्टरेट दिया, और ये फिर वापस आए पाकिस्तान। इसी दौरान दोस्तों इनको FRS फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इसका भी मेंबर बनाया गया, और ये यंगेस्ट हैं, ठीक है ना, वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन टू बी इलेक्टेड एज फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, ठीक है। 33 साल में सिर्फ इनको ये मेंबरशिप दे दी गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस मानी जाती है, ठीक है। फिर इनको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से भी फेलोशिप मिली, ठीक है, वहां पे अगेन ये ओपेनहाइमर से मिले, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा उनके साथ काम भी किया, न्यूट्रिनोस पे काम किया, पार्टिकल फिजिक्स पे काम किया, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हुई और सॉल्यूशन भी बहुत सारे निकाले। इसी दौरान दोस्तों जब ये अपनी पीएचडी कर रहे थे दोस्तों, एक और मुझे वाक्य याद आया कि एक इसमें क्या हुआ था कि एक बार एक ऐसी प्रॉब्लम थी, एक साल से उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो पार्टिकल फिजिक्स की प्रॉब्लम थी, उसको बड़े बड़े रिचर्ड फाइनमैन डायरेक्ट के लिए भी सर का दर्द बन गया था। अब जब वो अब्दुल सलाम को दिया गया, साइंटिस्ट ने चैलेंज कर दिया कि चलो तुम इसको सॉल्व करके दिखाओ, अब्दुल सलाम ने थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया, बहुत मेहनत की और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। बड़े बड़े साइंटिस्ट जिस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे उसका सोल्यूशन अब्दुल सलाम लेके आ गए, और तब और ज्यादा इनकी इज्जत बढ़ गई, ठीक है। तो ये सब कुछ था। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये पाकिस्तान फिर से वापस आए, ठीक है, और जब ये पाकिस्तान वापस आए यहां पर इन्होंने काम किया, बहुत अच्छे से काम किया, काफी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, इन्होंने एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी बनाया, ठीक है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बनाया, ये सब कुछ इन्होंने पाकिस्तान में किया। और बाद में जो इनका पूरा का पूरा काम था इन्होंने अपने स्टूडेंट रियाजुद्दीन को दे दिया, और उसके बाद फिर जो फर्दर डेवलपमेंट है न्यूक्लियर, अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करें, वो रियाजुद्दीन ने ही किए, ठीक है। इन्होंने हिग्स बोसॉन पे काम किया, इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स पे काम किया, क्वांटम फील्ड थ्योरी, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी, सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने देखिए जो चार फंडामेंटल फोर्सेस है, एक्चुअली बोला ये जाता है कि यूनिवर्स में एक ही फोर्स है, ठीक है, एक ही फोर्स है जो सब कुछ डील कर रही है, ठीक है, और उसको हम सुपर सिमेट्री
और क्वांटम थ्योरी से आसानी से समझ सकते हैं। तो चार फंडामेंटल फोर्सेस हम देख रहे हैं कि धीमे धीमे तीन, चार से तीन हो गई, अभी देखिएगा धीमे धीमे तीन से दो और दो से एक, जिसको हम कहते हैं ना कि द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, एक ऐसी थ्योरी जो पूरे यूनिवर्स को समझा दे। उसमें बहुत बड़ा योगदान था अब्दुस सलाम का, ठीक है, जो इन्होंने 1963 में थ्योरेटिकल वर्क किया था वेक्टर मेसॉन पे। दोस्तों आपको ये वर्ड जो है वेक्टर मेसॉन बोसॉन, देखिए मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा देता हूं, ठीक है, जो पार्टिकल फिजिक्स है वो फर्मियॉन्स में डिवाइड है, ठीक है, और बोसॉन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। बिल्कुल भी हम नहीं देखेंगे स्पिन क्या है, इसकी क्वांटम प्रॉपर्टीज क्या है, बस इतना समझ लीजिए फर्मियॉन्स मतलब वो चीज जिससे हम बने हैं, जिससे मैटर बना है, जैसे लेप्टॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्वार्क्स, ठीक है, क्वार्क्स, चलिए क्वार्क्स भी थोड़ा सा हाई लेवल हो गया, मतलब जिससे मैटर बना है, वो पार्टिकल जिससे मैटर बना है, ठीक है। बोसॉन्स, इन पार्टिकल्स में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, तो ये बेसिकली फोर्स कैरियर्स होते हैं, जैसे हिग्स बोसॉन, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू माइनस, ठीक है। तो ये बोसॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं, समझ गए, जब भी पार्टिकल का इंटरेक्शन होता है, मैटर और एंटी मैटर, ये बहुत ही, दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, मैटर और एंटी मैटर। जब यूनिवर्स बना, जितना मैटर बना उतना ही एंटी मैटर बना, तो एंटी मैटर का हुआ क्या, मैटर तो अभी भी है, वो एंटी मैटर कहां गया, ठीक है। बहुत सारे चीजें हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब इसमें फिर बहुत सारी चीजें और आ जाती है, टाइम पेरिटी आ जाती है और स्पिन आ जाता है कि धीमे धीमे सारी चीजें डीके होता गया, उसमें हम देखेंगे अभी बाद में, किसी और दिन हम जब बात करेंगे फिजिक्स के, पार्टिकल फिजिक्स के कुछ कंसेप्ट की, तो उसमें आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये समझिए कि जो फर्मियॉन्स होते हैं उनसे मैटर बना होता है, और जो बोसॉन्स होते हैं वो फोर्स कैरियर्स होते हैं, ठीक है ना। तो भैया जो इन्होंने वेक्टर मेसॉन पे काम किया इन्होंने, तो इसने एक तरीके से बहुत सारी चीजें समझा दी, ठीक है, बहुत सारी चीजें समझा दी, ठीक है। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी का भी यहीं से जन्म होता है। फिर इसके बाद इन्होंने ये जो अपने काम को और आगे ले गए, फिर नॉर्मलाइजेशन कर दिया, ठीक है, रीनॉर्मलाइजेशन जिसको बोला गया, कि एक पूरी तरीके से मेसॉन की स्टडी, प्रॉपर स्टडी जो है वो पब्लिश कर दी, और इसी से ही ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी का जन्म होता है। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी की बात करें दोस्तों, आपको बता दूं कि ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की बात करती है, 1959 में इसकी शुरुआत हुई थी। चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, आपको पता ही है कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो यहां पे चार से तीन करने में, चार फोर्सेस को तीन में कंबाइन करने में जो काम किया, उसमें बहुत बड़ा योगदान था अब्दुस सलाम का, ठीक है ना। और हमारा क्या एम है, कि हमारा ये एम है कि हम एक ऐसी थ्योरी दे दे जो पूरे यूनिवर्स को समझा दे, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो ये चीज है, वीक न्यूक्लियर फोर्स को इन्होंने कंबाइन कर दिया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये एक ही है बेसिकली, ठीक है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये बेसिकली एक ही है, ठीक है ना। और इनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इंटर कन्वर्जन हो सकता है इनका, तो ये चीज उन्होंने किया, ठीक है। और 1959 में इस चीज पे उन्होंने काम करना शुरू किया, और बाद में इसको जीयूटी, ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी भी बोला गया। तो दो फंडामेंटल फोर्सेस को जब इन्होंने एक किया, तो भैया हो हल्ला हो गया, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने बोला कि क्या बात है यार, ऐसा तो काम कभी पहले हुआ ही नहीं। और इसी काम के लिए इनको 1979 का नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है ना। सलाम, ग्लैशो और विनबर्ग, इन तीनों को, क्योंकि ग्लैशो और विनबर्ग के साथ इन्होंने काम किया था, और इन तीनों को नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1979 में दिया गया। और उसके इसी काम को बेस बना के बहुत सारे नोबेल प्राइज पार्टिकल फिजिक्स में और भी जीते गए, और सबसे रीसेंट एग्जांपल है पीटर हिग्स, कब उन्होंने 2015 या 2016 कब मिला था दोस्तों, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हिग्स बोसॉन की जो डिस्कवरी हुई, जो ये बताता है कि गॉड पार्टिकल्स हम उसी से बने हुए हैं, ठीक है ना, सबसे छोटा, तो वो चीज उसकी जो नींव थी वो अब्दुल सलाम ने रखी, समझ गए, बहुत ही बढ़िया। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, ये सब तो इनके साइंटिफिक करियर और एकेडमिक करियर था। जब यहां पे पाकिस्तान दोबारा आए 1960 के दशक में, दोबारा लौट के आए, तब तक तख्ता पलट हो गया था, अयूब खान आ चुके थे 1958 में, अयूब खान को एक साइंटिफिक एडवाइजर की जरूरत थी। अब यहां पे जब अब्दुल सलाम ने कंडीशन देखी पाकिस्तान की, कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई साइंस के क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, यहां तक कि जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी बनाया गया, पाकिस्तान का जो एनर्जी कमीशन है, 1956 में बनाया गया था, और वो भी एक छोटे से कमरे में 10 से 12 साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इन्होंने इस पूरे स्ट्रक्चर को सही किया, रीऑर्गेनाइजेशन इन्होंने शुरू किया, कि किस तरीके से हम पाकिस्तान को एक साइंस हब में तब्दील करते हैं। और इन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा इनको झेलना पड़ा,
काफी इनको ऑपोजिशन भी इनके साथ हुआ कि तुम क्या कर रहे हो और ऐसा नहीं, लेकिन ये रुके नहीं। अब शुरू में तो ये न्यूक्लियर पावर ये बहुत ज्यादा इसके फेवर में थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा इनको लगा कि यार मैंने गलती तो कर दी है, मुझे शायद इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए था पाकिस्तान में न्यूक्लियर पावर के, अगर हम देखें उस क्षेत्र में बात करें। ठीक है, तो 16 सितंबर 1961 को इन्होंने स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन सुपको ये एस्टैब्लिश किया, सुरको जिसको बोला जाता है, और सलाम जो है इसके डायरेक्टर रहे। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को वापस पूरे तरीके से रिस्ट्रक्चर किया और यहां पे लाहौर में इसको एस्टैब्लिश किया गया सेंटर 6 के नाम से। ठीक है, इशवाक अहमद जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर रहे। उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि कैदे आजम यूनिवर्सिटी भी इन्होंने एस्टैब्लिश की। ये सब साइंस के क्षेत्र में हो रहा था। ठीक है, अमेरिका बार बार जाते रहते थे, वहां से एग्रीमेंट साइन करते थे। ठीक है, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को कि आपको कोई भी जरूरत होगी अगर साइंस के सिलसिले में तो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कराची में इन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो है, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो एस्टैब्लिश कर लिया था। फ्लाइट टेस्ट रेंज ये बलूचिस्तान में एस्टैब्लिश हो गई थी और नासा ने बहुत ज्यादा इसमें हेल्प की थी। ठीक है, उसके बाद जो भी डेलीगेशन आते थे बाहर से एटॉमिक एनर्जी पे, साइंटिफिक एडवाइजर थे, ये भी याद रखिएगा कि अयूब खान के साइंटिफिक एडवाइजर बन गए थे, तो जो भी डेलीगेशन आता था बाहर से उसको अब्दुस सलाम ही हेड करते थे। ठीक है, वही पूरा डील करते थे। फिर बहुत सारे देशों से इन्होंने डील साइन की, यहां पे न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन सारी डील्स जो है वो साइन की, और देखते ही देखते एनपीटी आ गई। एनपीटी ने अभी तक ना भारत पे साइन की, भारत ने साइन किया ना पाकिस्तान ने साइन किया है। ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते थे जिससे पूरे जहां जहां पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं वो पाकिस्तान में सबसे पहले तो आए, और उसके बाद भी पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को ये इन्वाइट करना चाहते थे। तो इसी का ही एक इनिशिएटिव था कि इन्होंने INSC की शुरुआत की, इंटरनेशनल नाथियागली समर कॉलेज ऑन फिजिक्स एंड कंटेम्प्रेरी नीड्स, INSC की शुरुआत की, और ये एक तरीके से इंटरनेशनल एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन थी ताकि हर कोई आ सके और यहां पे रिसर्च कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो INSC की भी यहां पे शुरुआत हुई और ये 1976 तक इसके पूरा मतलब देख रेख करते रहे, और यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट से भी इन्होंने इंटरेक्शन किया, सब कुछ किया, बहुत सारी चीजें की। उसके बाद फिर जुल्फिकार अली भुट्टो आ गए। अब जुल्फिकार अली भुट्टो शुरू में तो इनसे रिलेशन ठीक थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा रिलेशन कुछ सही नहीं रहे। ठीक है, तो जुल्फिकार अली भुट्टो जब प्रेसिडेंट बनते हैं 1972 में, अब 1972 में क्या हुआ था कि यहां पे भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पूरा कर लिया था, तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था कि आप भी अपना जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसको भी पूरा करें और इसको आप जल्दी से, अब हम भी एक अपना पूरा मतलब टेस्ट करें, न्यूक्लियर टेस्ट करें और पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर बन जाए। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरी कमीशन बैठाई और इसमें अब्दुस सलाम ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और 1972 से पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू होता है। 1972 में शुरू हुआ, 1988 में उन्होंने पहला टेस्ट किया और 1998 में दूसरा टेस्ट किया, तो पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर हो गया। लेकिन दोस्तों यहां पे 1975 के दौरान क्या हुआ था कि अगेन अहमदिया मुसलमानों के लिए दोबारा प्रोटेस्ट होने लगी कि इनको भगाओ, यहां से गिरने लगी और एक तरीके से इनके लिए नफरत की भावना जागने लगी, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब जब प्रोटेस्ट शुरू हुए तो दोबारा इनको कंट्री छोड़ के भागना पड़ा, पाकिस्तान छोड़ के निकलना पड़ा, वरना इनको भी मारी दिया जाता, बहुत दिक्कत हो जाती। उसके बाद फिर जो बाकी का इन्होंने जीवन है फिर वो बाहरी बिताया और 1996 में 70 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो भी हो इनका करियर अच्छा रहा, ठीक है, काफी जबरदस्त साइंटिस्ट थे, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेटफ्लिक्स पे इनकी डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।